आज हम शेयर करेंगे साबूदाने का खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले खौलाया हुआ दूध एकदम बढ़िया सा लेंगे। खौलाए हुए दूध का खीर बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है, इसीलिए अभी करीब 4 कप दूध है। 4 कप दूध के लिए 1 कप साबूदाना चाहिए। अब ये दूध को अच्छे से खौला लेंगे। ऑलरेडी पहले से खौलाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा और बढ़िया से खौलाएंगे दूध को। फिर उसमें ये 1 कप साबूदाना को 2 या 3 घंटे पहले फुला के रख देना है। अब ये बढ़िया से एकदम पानी एब्जॉर्ब हो गया है इसमें और फूल के देखिए एकदम अलग अलग हो गया है, इसमें थोड़ा भी ऐसा एक दूसरे में सट नहीं रहा है। तो फिर अभी दूध को बढ़िया से उसको खौलाएंगे। जब दूध अच्छे से पूरा खौल जाएगा तब उसमें क्या करेंगे, थोड़ा चीनी डालेंगे। उसके अकॉर्डिंग जितना जैसा दूध रहेगा उसके हिसाब से ही डालना है। 4 कप दूध है तो उसमें ऐसा 1/2 कप से भी कम चीनी डालेंगे, क्योंकि दूध पहले से भी खौलाया हुआ रहता है और काफ़ी गाढ़ा है, तो इसलिए वो ऑलरेडी मीठा रहता है। फिर उसमें वो फुलाया हुआ साबूदाना जो है उसको डाल देंगे। फिर इसको डाल के अच्छे से मिलाएंगे। मिला के फिर उसको थोड़ी देर तक ऐसे उबलने देंगे कि साबूदाना और दूध बढ़िया से मिल जाए। फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू आलमंड्स ये सब को छोटा छोटा पीसेस में एकदम काट लेंगे। काट काट के उसमें डालेंगे। फिर ऊपर से थोड़ा केसर डालेंगे, अच्छा कलर आता है और केसर का टेस्ट भी बढ़िया आता है। फिर ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची होती है, इलायची 2 तरह की आती है, बड़ी वाली छोटी वाली। छोटी वाली इलायची का अच्छा से 3-4 इलायची को बढ़िया से बारीक उसको पीस के उसका मैंने पाउडर अच्छे से करके उसको फिर ऊपर से डाल देंगे एकदम लास्ट में। ऐसे खोलते समय लास्ट में उसको कूट के डाल देंगे और डाल के फिर उसको थोड़ा 2 मिनट तक ऐसे ढक के रख देने के बाद ऐसे भी छोड़ देंगे। एकदम लास्ट में डालना है कि उसका अच्छा फ्लेवर इलायची का आए उसमें। अभी फिर क्या करेंगे, गैस को फिर बंद कर देंगे।